नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप मुझसे काफ़ी समय से पूछ रहे थे कि सर NVS की तरफ से हमें गेस्ट टीचर या फिर कॉन्ट्रैक्ट टीचर की जो रिक्रूटमेंट होती है वो कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली NVS की तरफ से हमें गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुकी है और मैक्सिमम विषयों पर हमें देखने को मिल चुकी है, ठीक है। और इसमें आपकी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं और जो लाइब्रेरी टीचर होते हैं उनकी भी है। बाकी जब हम NVS की बात करते हैं दोस्तों, इसमें PRT पोस्ट तो होती नहीं है, तो फिर इसमें PRT या फिर प्राइमरी टीचर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। बाकी TGT PGT की आपकी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट इस NVS में निकली है। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से संबंधित सारी की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है, लेकिन मैं इसमें आपको कुछ मेन बातें बता देता हूँ। सबसे पहले, एक तो चाहे कोई भी कैंडिडेट है उसका CTET क्वालिफाई हो चाहे ना हो, दोनों तरह के कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता दी जाएगी वो उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनका CTET क्वालिफाई है। दूसरा, इसमें जो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है तो वो दोस्तों इस प्रकार है। इसमें एक तो आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, गूगल फॉर्म आपको भरना होगा, और गूगल फॉर्म को भरने के बाद एक आपको ईमेल ID मैं बताऊंगा, ठीक है। उस ईमेल ID पे आपके जितने भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगे गए या फिर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक सिंगल PDF बनानी है, ठीक है। और पहले तो दोस्तों बना लेते थे, कैम स्कैनर करके एप्लीकेशन आती थी, ठीक है, तो उससे फटाफट हो जाता था काम, लेकिन अब तो वो बैन हो चुकी है। तो काफ़ी सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट है और बाकी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, और बाकी उस एप्लीकेशन के अल्टरनेटिव भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, तो कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। और दोस्तों, आप थोड़े से टेक्निकल हो जाए, अगर आप परमानेंट पोस्ट लेना चाहते हैं इंडिया में, चाहे KVS NVS या दिल्ली की किसी भी शिक्षक भर्ती की हम बात करते हैं, दोस्तों आपको टेक्निकल तो होना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपका भविष्य में जो भी आपका शिक्षण होगा वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही होगा, तो ठीक है, तो थोड़े बहुत टेक्निकल हो जाए। इन छोटी छोटी चीज़ों में आप किसी और से मत कराना, खुद ही करना है चीज़, ठीक है। तो आप सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक क्लिक करोगे, और दोस्तों आप जैसे भी कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, सबको एक सिंगल PDF में बनाना है। उस सिंगल PDF में दोस्तों एक मैं आपको फॉर्म दूंगा जो नोटिफिकेशन में, ठीक है, वो फॉर्म भर के भी आपको उसी के साथ अटैच करना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म भरना है आपको, फॉर्म भरने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, ठीक है, सबकी एक सिंगल PDF बना के इनकी एक ईमेल ID दूंगा, उस पर सेंड करना है, बाकी गूगल फॉर्म आप इसमें भर ही दोगे। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से ही होगा। और इसमें एक और चीज़, इसमें सैलरी को लेकर दोस्तों थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप जानते हैं कि KVS या NVS की जब हम बात करते हैं दो तरह से विभाजित होते हैं, एक नॉर्मल स्टेशन होते हैं, एक हार्ड स्टेशन होते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन पर हो जाती है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगी, 30,000 प्लस, और अगर आपकी नॉर्मल स्टेशन में पोस्टिंग हो जाती है थोड़ी सी कम मिलेगी, 28,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये नॉर्मल स्टेशन और हार्ड स्टेशन क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल स्टेशन तो नॉर्मल जो आपको काफ़ी सारे स्कूल देखने को मिल जाएंगे, हार्ड स्टेशन से मेरा तात्पर्य होता है जहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल होता है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गाँव गाँव का इलाका होता है, ठीक है, थोड़े से साधनों की या फिर तकनीकी की जहाँ कमी होती है तो वो इनके हार्ड स्टेशन में आते हैं। अगर आप इसमें परमानेंट पोस्ट पर भी लगोगे दोस्तों उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हार्ड स्टेशन पर थोड़ी ज़्यादा सैलरी और जो नॉर्मल स्टेशन है उन पर थोड़ी आपको कम सैलरी देखने को मिलेगी। बाकी जो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो दोस्तों परसों तक है, तो अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो फटाफट से आप अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट से देख रहे हैं और आपकी जो लास्ट अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो निकल चुके, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप हमारे इस एस्कासिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भविष्य में और भी आपको गेस्ट टीचर या फिर परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो अगर आप भारत में एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं TGT PGT PRT किसी पोस्ट पर, तो हमारे इस एस्कासिन यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना भी मत भूलना। अब दोस्तों, जितने मैंने आपको लिंक बताया, नोटिफिकेशन हो गया या फिर ईमेल ID हो गया या गूगल फॉर्म का लिंक हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है सारे के सारे दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, वहाँ मैंने अच्छे से मेंशन कर रखा है, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन सभी तरह के लिंक सब कुछ मिल जाएगा जो भी आप जानना चाहते हैं, और सारी जानकारी आपको इनके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये सब कुछ डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए फटाफट से और उस लिंक पर क्लिक करिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी इसकी लास्ट डेट निकली नहीं है और कोई आपका मित्र या फिर सगा संबंधी इसमें अप्लाई करने के लिए इच्छुक है तो आप उन अभ्यर्थियों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।